अपनी ओर आ रहा है भाई सलमान भाई, देखो तो गाइस कैसे हो आप सब, आपका बस सलमान हाजिर वापस न्यू वीडियो साथ में, और स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब फैमिली एस के होटल व्लॉग्स के अंदर। सो गाइस पहुँच चुके लोकेशन पे और कैमरे में अपने कौन भाई है। आज पीछे आपको काफ़ी घना जंगल नज़र आ रहा होगा। आज वापस यार एक ऐसे जंगल के अंदर दोनों भाई विजिट करने के लिए आए हैं जिसमें काफ़ी खतरा बताया गया है लोगों के द्वारा। ठीक है, गजेंद्र जी ने मुझे ये लोकेशन सजेस्ट की है जो कि अपने सब्सक्राइबर भी है। उन्होंने मुझे साफ साफ बोला है कि भाई आप मेरा नाम बता सकते हो लेकिन मेरा पूरा एड्रेस मत बताना यार, क्योंकि ये लोकेशन काफ़ी हॉरर है और काफ़ी जानलेवा भी हो सकती है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि यार वीडियो में आप ये भी बोलना कि यार यहाँ आज आप खड़े हो, यहाँ आपको कुछ भी होता है तो पूरी जिम्मेदारी आप दोनों की होगी। तो वाकई में यार आज हम यहाँ पे खड़े हैं तो अपने रिस्क के ऊपर यहाँ पे आए हैं, तो हमें जो भी होता है तो उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। यार उनके बोलने के तरीके से और स्टोरी बताने के तरीके से मुझे ऐसा लगा वाकई में यार कि ये लोकेशन काफ़ी हॉरर है यार। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं फिर बात करते हैं इसके स्टोरी के बारे में। जिसने वीडियो स्टार्ट कर ली है वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना पूरी, नीचे लाल बटन दिया हुआ आ रहा है सब्सक्राइब का, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो जो है शेयर कर देना यार। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ, जाके फॉलो कर दो भाई को जिन्होंने फॉलो नहीं कर रखा है, नीचे नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, फॉलो कर दो यार सबको, रिप्लाई देता हूँ सबसे बातें करता हूँ। तो आ जाओ इंस्टा पे और आ जाओ भाई आगे। काफ़ी घना जंगल है देख सकते हो यार, यहाँ यार बोला जाता है कि एक ऐसा शैतान नजर आता है जो भी उसके सामने आता है उसको वो जला के राख कर देता है। ठीक है, क्यों पता नहीं, बाकी यार कुछ टाइम पहले कुछ साल पहले यहाँ पे एक वारदात हुई थी कि यार एक इंसान को, ठीक है रीज़न मेरे को पता नहीं, यहाँ पे ला के जला दिया गया था कुछ लोगों के द्वारा। ठीक, कुछ लोगों के द्वारा उसको जला दिया गया था और यहीं पे उसको जला के राख कर दिया था यार, बिल्कुल उसको कोई बचाने के लिए नहीं आया था। उसकी राख को यार, उसकी राख भी पता नहीं आज कौन सी मिट्टी के अंदर दबी हुई है, मतलब मोक्ष होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हो सकता है उसी की स्पिरिट हो, लोगों का मानना है कि यार ये उसी की स्पिरिट है जो कि यहाँ पर नज़र आती है, और जिस तरीके से नज़र आती है अगर नज़र आ जाए ना गाइस तो अगर नजर आ जाए किसी को तो उसकी रूह कांप जाए, पैरों तले जमीन खिसक जाए, ऐसा उसका रूप है भयानक। देखते हैं यार वाकई में ऐसी कोई चीज है जो नजर आती है, अगर ऐसी कोई चीज है और उसे हम दोनों भाई कैप्चर कर पाए तो वाकई में आज यार वाकई में मेरे कुछ भाई लोग हैं जिनको यकीन हो जाएगा कि वाकई में यार ऐसी चीजें होती है, और कितना रियल कितना फेक है ये भी आज क्लियर हो जाएगा अगर ऐसा सीन हमने कैप्चर कर लिया तो। तो यार वीडियो में बने रहना, पता नहीं क्या कहाँ पे हमारे साथ में क्या हो जाए। भाई। देखो
हाँ भाई दिख रहा है कुछ, कुछ दिख रहा है। ये क्या चीज़ है यार, उस साइड में। ये क्या है, ये क्या है यार, ये चमकता हुआ क्या नजर आ रहा है, कौन है भाई? कोई जानवर है क्या भाई? लगता तो ऐसे ही। आगे चल के देखे भाई। कौन है वहां पे? जैसे लग रहा है चल रहा है, हिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। देखो देखो भाई, देखो ओए हो सलमान भाई, ध्यान से। क्या चीज है यार, ये चल रहा है अपनी ओर आ रहा है, क्या कर रहा है भाई? इंसान ने क्या है सलमान भाई? सुन करो, सुन करो उसको। हाँ भाई देखो, ओए भाई हा? इसको तो पैर लग रहे, दो पैर है। सलमान भाई बिल्कुल ध्यान से, से होके जाएंगे यार, इतनी झाड़ियों में से होके नहीं जा सकते। पता नहीं क्या बल्ला है क्या नहीं है। ओपन में कैमरा आगे रखना, थोड़ा सा आगे हो, थोड़ा सा आगे रखो कैमरे को। सलमान भाई बिल्कुल ध्यान से। कौन है, कौन है यहाँ पे? बड़ी अजीब सी आवाज़ भी आ रही है, आवाज़ भी आ रही है भाई, है ना भाई? हाँ भाई, माहौल देखो कितना शांत है यहाँ पे। यही कहीं दिखा था भाई यार। कौन था यहाँ पे? जो भी है बिना नुकसान पहुंचा सामने आओ। वो ओए वो सामने वो भाई, ये क्या बना यार? वही है भाई, वही है, वही है, वही है। देखो भाई, देखो देखो, इसका मुंह देखो भाई। ओ भाई ये क्या है यार, कौन सी बनाई अजीब सी चीज है। सलमान भाई देखो, देखो भाई हिल रहा है। हाँ भाई हिल रहा है कोई, देखो भाई हिल रहा है, हिल रहा है। देखो ये क्या चीज है भाई, कुछ शेडो नजर आ रही है, कुछ चमकती है यार क्लियरली। भाई इस तरफ आ रही है क्या वो चीज? मेरे को लग रहा है जैसे इस तरफ धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है, ऐसे लग रहा है। हाँ अब ये बढ़ रही है भाई। हाँ पीछे रो पाऊंगे, थोड़ा पीछे रो यार। देखो सामने, देखो सामने। भाई ओ भाई कौन है यहाँ पे? ओए भाई सलमान भाई पीछे की ओर से चले। क्या बोला यार, ये समझ नहीं आ रहा कुछ। हम भाई एक बार देखो यार, और कुछ तो नहीं है यहाँ पे। सलमान भाई आगे खतरा है, आगे हम बढ़ नहीं सकते, क्या करें बताओ यार। लेकिन मेरे तो यही का चीज़ है, ऐसी चीज पहली बार देखा हूँ भाई, अजीब सी चीज नजर आई है। मैंने तो मेरी जिंदगी में पहले लाइफ के अंदर फर्स्ट बार कोई ऐसी चीज देखी है, ऐसी शेडो हमने आज तक नहीं देखी यार। इसी तरफ से भाई बोले यार, बोल भाई देखो, दिखा दो एक बार। हाँ भाई
ओने यहाँ पे हुए हुए ये तो उधर ही आ गए जिधर से हम आए थे भाई। सब देखो यार घूम गया। हाँ भाई यार निकला कोई जानवर नहीं आ जाए। सब देखो थोड़ा आ गया भाई। क्या बना थी यार वो भाई इतनी जगह गए ऐसा सन्नाटा पहली बार देख रहा हूं मैं। जो भी है हमें बिना नुकसान पहुंचाए सामने आ सकता है, हमें बिना नुकसान पहुंचाए सामने आ सकता है जो भी यहाँ पे है। ओए ओए सलमान भाई ओए अपनी ओर आ रहा है भाई सलमान भाई देखो ओए इधर आ भाई आ गया भाई। भाई। इधर आ जाओ। ओ भाई। भाई वो अपनी ओर कैसे बढ़ रहा था भाई। सलमान भाई ये बहुत ही खतरनाक है भाई। भाई फोन भाई जब बोलो ना पीछे हो जाओ मतलब पीछे हो जाया करो। हाँ भाई भाई मैंने उसको देखा था ना मेरी आंखें उसी पे टिकी रह गई भाई कि ये क्या चीज है भाई। ऐसा फिर मैंने तो आते नहीं देखा भाई। जल के मौत हुई थी आज भी इसलिए वो शख्स वो शैतान आज उसी रूप के अंदर दिखाई देता है यहाँ पे। भाई सलमान भाई जो भी सीन था गाइस कैमरे में बिल्कुल कैप्चर भी हुआ है और ऐसा स्कैन मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा स्कैन मैंने आज तक नहीं देखा यार बहुत डरावना सीन था यार। सलमान भाई क्या करें कोई आवाज़ ही नहीं थी। बड़ी अजीब से आवाज़ थी यार। कौन है
ओए ओए कौन भाई, चलो कैमरा घुमाओ, चलो कैमरा घुमाओ, चलो चलो कैमरा घुमाओ, चलो कैमरा घुमाओ। ओए ये क्या हुआ, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। तो कौन भाई, भाई वो अपने आसपास में, भाई देखो कहीं भाई ऐसा तो नहीं है भाई कि उस अपने पास सेफ्टी ना हो ना, तो चीज अपने को जला के राख कर दे भाई। सलमान भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस जो इंसान जला था उसकी राख वहीं है? हो सकता है वो जहां अपन बैठे वहीं पे हो। भाई देखो ऐसे लग रहा है उसे आवाज आ रही है। आजो भाई निकलते यहाँ से, आजो। हाँ सलमान भाई, पुलिस फॉलो कर रही है अपने को, ऐसा लग रहा है यार। से निकलते हैं यहाँ से, इतना वहाँ कैप्चर कराया और आज तो यार मैं, मेरे सबसे कुछ शिकायत का मौका नहीं होगा। जो भी था आपके सामने, कैमरे के सामने कैप्चर हुआ। पवन भाई कैसे कैप्चर हुआ, अच्छे से कैप्चर हुआ था ना भाई? मेरे तो आंखें नहीं ली थी उससे, क्या बताऊँ आपको। ठीक है, चलो सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, ज़्यादा शेयर कर देना। अगर इस पार्ट पर आपका अच्छा सा खासा प्यार मिला तो वापस सेकेंड पार्ट में रिवील करने के लिए आऊँगा। ठीक है ठीक है, लाइट ऑफ करता हूँ, आगे पीछे मत रहो।